तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के कार लाल शॉट में एक बार फिर से। तो दोस्तों ये गाड़ी है ना, देखो इसमें प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ क्या है। इसमें प्रॉब्लम है कि इसका ना क्लच का पेडल बहुत हार्ड हो चुका है। मतलब देखो मैं दिखा देता हूँ, देखो ये देखो ये देखना पेडल, अब ये देखो, यानी मैं अगर ये देखो झटके से भी दाब रहा हूँ तो नहीं दब रहा, मतलब बहुत ये देखो इतना टाइट है यार। ये अब दबा, आप कैसे चला रहे हो गाड़ी को फिर? अब ये भाई साहब की गाड़ी है, हमारे इनकी गाड़ी है, यानी क्लच इतना ज्यादा टाइट है दोस्तों, इतना ज्यादा टाइट है कि मान के चलो पूछे मत। और आपने क्लच प्लेट डलवा चुके हो ना, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच बेयरिंग तीनों चीज डलवा चुके हैं सर जी, फिर भी ये क्लच अभी भी बहुत टाइट है। तो इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता दूं। देखो मैं नहीं कहता क्लच प्लेट से भी नहीं होता भाई, देखो क्लच प्लेट से भी हो जाता है, वो सॉरी प्रेशर प्लेट से भी हो जाता है, कई बार अंदर जो चिमटा होता है ना इसका, उससे भी हो जाता है, वो उसकी भूसा कट जाती है, वो जाम हो जाए उसमें जंग आ जाए तो भी हो जाता है। और एक ये छोटा सा रीज़न भी होता है कि क्लच वायर है ना ये ख़राब हो जाता है ना काफ़ी टाइम के बाद, उसके अंदर से यानी जंग लग जाए धीरे धीरे, सीम जाकर यानी मॉइस्चर जाकर वो जंग लगने लग की वजह से टाइट हो जाता है, या फिर ये पेडल के यहाँ की भूसे जाम हो जाए। तो इसमें तो क्लच वायर की वजह से है, तो हम देखो क्लच वायर खोलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ देखो क्या पोजीशन है उसकी, क्योंकि ये छोटा प्रोसेस है बहुत। देखो होने को बहुत सारे रीजन होता है लेकिन ये छोटे प्रोसेस पहले चेक करना चाहिए। लेकिन ये भाई साहब पहले क्लच प्लेट डलवा चुके हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई खोल रहा है क्लच वायर को, तो ये भी होता है एक रीजन, छोटी छोटी चीज़ों का। अब कई जगह पे ये होता है भाई, यूँ बता देता हूँ भाई, इसका क्लच यानी फ्रॉग है ना, यानी कि जो चिमटा बोल रहा हूँ ना फ्रॉग बोलते हैं उसको, मैं बताऊँ देखो मैं देसी भाषा में बोलता हूँ उसको, अंदर से चिमटा वो जाम हो जाता है ना, उसकी भूसे कट जाती है या वो टाइट हो जाए तो भी जाम हो जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ वायर की प्रॉब्लम है। तो ये भाई खोल रहा है तो दिखाता हूँ देखो वायर की क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से जाम हो चुका है, खोलते हैं पहले। और इसका वायर खोलना देखो काफ़ी आसानी है, काफ़ी मुश्किल होता है इसका क्लच वायर खोलना, तो इसलिए पहले खोल लेते हैं फिर दिखाता हूँ दोस्तों। और ये वीडियो देखो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनके पास में है गाड़ी, वो ये बोल रहे मेरे को टाटा इंडिगा, इंडिगो या कोई सी भी गाड़ी की, टाटा की बना के दिखाओ वीडियो। बाकी मैं बनाता तो और भी काम तो सबका करता हूँ, लेकिन बनाता नहीं हूँ इन गाड़ियों को, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर है ना इको और वैन वालों पे फोकस रहता है। तो चलो चलते हैं खोलते हैं फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो ये क्लच वायर निकल गया, हाँ इधर दिखा एक सेकेंड दिखाना, खींच उस साइड को, अब फिर घुसा फिर खींच, ये देखो ये देखो, मतलब काफ़ी टाइट और कहीं पे अटक के एकदम अंदर बाहर हो रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो। अब ये कहाँ से क्या ख़राब हुआ है मैं देखता हूँ, एक सेकंड दिखा देता हूँ आपको, देखो क्या ख़राब हुई है इसमें, देखो ये रहा देना, ये देखो यहाँ से अड़ अड़ के, देखो आपको लोहा दिख रहा होगा देखो इसमें अंदर का, ये कोई चीज़ के अड़ अड़ के घिस घिस के लोहा अंदर अटक चुका है, इसलिए जाम हो गया। अब नया वायर लेते हैं, देखो नया वायर दो निकालो। देखो दोस्तों इसमें देखो ये फ्लोराइड टाइप का, देखो जैसे पानी का होता है, पानी का जो फ्लोराइड होता है वो जम जाता है, देखो उस टाइप का जम चुका है इसमें अंदर, ये देखो इस तरीके से जम जाता है ना, इस वजह से ये टाइट हो जाता है, जाम हो जाता है बहुत तगड़ा वाला। अब ये क्या थोड़ा आसान नहीं है डालना, वरना मैं इसको डालने की भी वीडियो बना देता, काफ़ी मुश्किल आता है। ये देखो ये रहा ओरिजिनल टाटा का वायर, ये रहा इसकी MRP भी दिखा देता हूँ आपको टाटा की, ये देखो ओरिजिनल टाटा का वायर ही है। चलो निकालो बाहर वायर, अब इसमें और इसमें फ़र्क देखना कितनी सॉफ्टनेस रहेगी दोस्तों। हाँ दिखाओ, हाँ खींचो, देखो कितना प्यार से अंदर बाहर हो रहा है, ये देखो ये बात होती है दोस्तों, मेन चीज़ देखो ये होता है। और ओरिजिनल चीज़ की तो देखो दोस्तों मज़ा आ जाता है, जब ओरिजिनल चीज़ डलती है तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो चलो दोस्तों डालते हैं तो फिट करते हैं फिर, देखो आपको कलर दिखाता हूँ, देखो कितना सॉफ्ट हो जाएगा इसको डालने के बाद, मज़ा आ जाएगा। मतलब भाई साहब यहीं बैठे हुए हैं जिनकी गाड़ी है, इनको भी मज़ा आ जाएगा। और देखो और ये वीडियो तो देखो जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उनको मज़ा आएगा सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि पिछले 6 महीने से शायद 3-4 महीने से बोल रहे हो मेरे से कि कोई भी वीडियो डालो, ये उन्हीं के लिए बनाई जा रही है वैसे ये वीडियो। तो चलो
करते हैं फिर। दोस्तों देखो पूरा काम कंप्लीट है, अब मैं आपको क्लच दिखाता हूँ इसका। देखो यानी एक मामूली से क्लच वायर से कितना फर्क पड़ता है, वो तभी बैटरी लगाई है कनेक्ट किए हैं। देखो पहले क्या कंडीशन, और अब देखो ये देखो ये देखो पानी की तरह, ये देखो मतलब आराम आराम से, ये देखो बिल्कुल पानी की तरह हो गया बिल्कुल। ये देखो खूब कितनी स्पीड से दबा लो, ये देखो फटाफट दब जाएगा, और कितने प्यार से दबा लो। ये देखो एक छोटा सा क्लच वायर की वजह से हो गया ना एक नंबर फ्री। तो ये देखो दोस्तों ये सिर्फ एक क्लच वायर की वजह से था, और क्लच वायर ये मान के चलो देखो काफ़ी जब थोड़ा बहुत पुरानी हो जाती ना गाड़ी तो धीरे धीरे क्या उसमें मॉइस्चर जाके वो जाम हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ आप ना सबसे पहले जैसे अगर आपको कोई ये भी बोले यार इसकी तो प्रेशर प्लेट खत्म है, ये डलेगा वो डलेगा, तो आप एक बार क्लच वायर को जरूर चेक कराओ खुलाने से पहले, तो आपका फ़ायदा काफ़ी हो जाएगा उससे। तो ये हमारे एक सब्सक्राइबर के कहने पर बनाई है वीडियो, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, और ये नॉलेज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे इसमें कुछ खास तो था नहीं नॉलेज में, बस ये था कि वहाँ पर क्लच वायर अगर क्लच टाइट हो तो एक बार क्लच वायर जरूर चेक करवाना। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो ऐसी कोई ना कोई बेहतरीन मैकेनिकल नॉलेज होगी जो पब्लिक प्रॉफिट की होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी जो पिछले काफ़ी महीनों से जो हमने पूरी कर दी। थैंक यू सो मच।